भोलेनाथ के दर्शनों के लिए यदि आप मणिमहेश यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो पहले ये वीडियो जरूर देख लें। हिमाचल में इन दिनों भारी बारिश के कारण विभिन्न स्थानों पर बाढ़ और लैंडस्लाइड आदि घटनाएं हो रही हैं। चंबा जिला के भरमौर के ऊपरी क्षेत्र में भी भारी बारिश के कारण मणिमहेश जाने वाला मार्ग कई स्थानों पर बाढ़ के कारण बह गया है। साथ ही छंचो के पास बना पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रशासन ने लोगों को मणिमहेश की ओर न जाने की सलाह दी है। मौसम के रुख को देखते हुए प्रशासन ने 13 जुलाई तक किसी को भी मणिमहेश की ओर न जाने के निर्देश दिए हैं। भारी बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन हुआ है। एडीएम भरमौर निशान ठाकुर ने कहा कि शनिवार को भरमौर के ऊपरी क्षेत्रों में बारिश होने से मणिमहेश की ओर जाने वाला मार्ग जगह जगह अवरुद्ध हो गया है। मणिमहेश रास्ते पर छंचो के पास बना पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। जगह जगह रास्ते में भूस्खलन होने और चट्टानें गिरने से मार्ग अवरुद्ध होने के साथ कई स्थानों पर मार्ग पूरी तरह से टूट फूट गया है। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जान जोखिम में डालकर मणिमहेश की ओर ना जाए। खराब मौसम में ट्रैकिंग करना तथा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने अधिसूचना जारी कर ग्राम पंचायत प्रधानों, उप प्रधानों, गैर सरकारी संगठनों से भी अपील की है कि लोगों को खतरे के बारे में बताएं। यानी अगर आप अभी मणिमहेश यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो उसे कुछ समय के लिए टाल दें। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़ के साथ।